व्यूअर्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी और ये डिज़ाइन हमारी ऐसी लाइनें जैसी बन जाती हैं। तो ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। ये हमारे तीन तीन फंदों के मल्टीपल से फंदे हमें डालने पड़ते हैं। और ये डिज़ाइन जेंट स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, मफलर में, कैप में, किसी में भी डाल के से आप बना सकते हैं। और देखने में इस तरीके से डिज़ाइन दिखता है। इसे बनाने के लिए आप कोई भी बॉर्डर बनाएं, बॉर्डर बनाने के बाद में आप इसे सीधी सिलाई से डालें। तो मैंने ये चार सिलाई ऐसी सीधी उल्टी बना ली है, तो इसके ऊपर से डिज़ाइन डालेंगे। आप बॉर्डर बनाने के बाद पहली सिलाई, पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों में ऐसे सिलाई डाल के पहले एक बार फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर उन अपनी तरफ करेंगे और फिर इसी में से एक बार और फंदा बनाएंगे। तो तीन में से तीन फंदे बनेंगे ऐसे, फिर तीन फंदे, और ऐसे जाली बनाएंगे इसमें और फिर इस तीन फंदों में से तीन फंदे बनाएंगे। फिर अगले तीन फंदे साथ में लेंगे ऐसे, और इनमें से पहले एक बार फंदा निकालेंगे, इसके बाद अपनी तरफ ऊन करके फिर एक फंदा इसी में से बनाएंगे। तो ये तीन फंदे हमारे बन गए। फिर तीन फंदे लेंगे ऐसे साथ में और पहले एक बार ऐसे फंदा निकालेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और इसी में से एक बार फिर फंदा निकाल के बनाएंगे। फिर तीन फंदे ऐसे, उनको अपनी तरफ करेंगे, इसी में से एक फंदा और बनाएंगे। तीन फंदों में से तीन फंदे बनाए और ये लास्ट वाला फंदा इसको हम ऐसे सीधा बना। तो हमारी पहली सिलाई और पहली सिलाई इस तरीके से बन गई है। दूसरी सिलाई है तो पहला फंदा ऐसे बुन लेंगे, इसके बाद इस फंदे को बुनेंगे उल्टा, दूसरे फंदे को बनाएंगे उल्टा और फिर इस फंदे को छोड़ के पहले इस फंदे को बनाएंगे, पहला फंदा, फिर इसके बाद इस फंदे को बुनेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, इसको पहले छोड़ देंगे, पहले इधर वाले फंदे में से एक फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे को बनाएंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, इसको अभी रहने देंगे, पहले इस फंदे को बनाएंगे, इस फंदे, उसके बाद ये वाला फंदा बनाएंगे, इस फंदे को पहले उल्टा बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, पहले इधर वाले फंदे को बनाएंगे, फिर इस फंदे को बनाएंगे। लास्ट में ये दो फंदे बच गए, इनको भी हम उल्टा बना लेंगे और लास्ट वाला फंदा इसको भी। तो ये दूसरी सिलाई है और डिज़ाइन हमारा ये ऐसे बन गया है। अब ये सिलाई है तीसरी, इसको हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। हमारी ये तीसरी सिलाई है, तीसरी सिलाई इस तरीके से बन गई, डिज़ाइन भी कुछ दिखने लगा है। चौथी सिलाई है और इसको हम ऐसे सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे ऐसे। तो पूरी लाइन हमारी सीधी सीधी जाएगी। सिलाई पूरी बन गई है हमारी, चौथी सिलाई बन गई है, डिज़ाइन इस तरीके से देखने लगा है। अब इसके ऊपर फिर इसी तरीके से दोबारा से बनाएंगे। तो पहले ये तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों में सिलाई डाल के तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदा बन गया
उनको अपनी तरफ किया और इसी में से एक फंदा और, तीन फंदे ऐसे, फिर इसी में से एक फंदा और बनाया, तीन फंदों में से तीन फंदे बनाएंगे ऐसे। तो इसी को बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन इसी तरीके से दिखने लगेगा ऐसे। उनको अपनी तरफ किया, फिर इसी में से एक फंदा और बनाया, हमारे ये तीन फंदों में से तीन फंदे बन गए। इस फंदे को सीधा बन गया, तो ये दूसरी लाइन बनेगी हमारी। पहला फंदा ऐसे बुन लेंगे, फिर इस फंदे को बनेंगे, इसको अभी नहीं बनेंगे, सबसे पहले इधर वाले को बनाएंगे, फिर इसके बाद इस फंदे को बनेंगे, इस फंदे को बुनेंगे, इसको अभी नहीं बुनेंगे, पहले इधर वाले फंदे को बुनेंगे, फिर ये फंदा बनाएंगे। ऐसे ही पहले इधर वाले फंदे को बनाएंगे, फिर इस फंदे को बनाएंगे। इस वाले फंदे को पहले बुनेंगे, फिर ये लास्ट वाला फंदा बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन बनाना है और ऐसे ही बुनना है। तो आपको ये डिज़ाइन हमारा कैसा लगा, और ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से ऐसे बन के आया, और जब बार बार आप रिपीट करेंगे तो इस तरीके का ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।